जी हेलो, वेलकम आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो भाई इतना जोर जोर से चिल्ला के शुरू करना मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने छोड़। तो भैया ऑफिस से निकलते हैं सीधे बच्चों को लेने ममता के मंदिर की। और भाई आज गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका अपना ट्रेवलिंग पहाड़ी यूके, मेरा नाम है कुलदीप चंद। आशा करता हूँ आप तो बच्चे होंगे। तो आइए सीधे लिए चलते हैं पहले आपको घर, जहाँ थोड़ा सा फिल्म शूट हुआ था, यानी कि ब्लॉग शूट हुआ था। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो भाई, शगुन का लाइक रखते हैं। 11,000 लाइक, 1,001 कमेंट। और आज सुबह नाश्ते में ब्रेड और आलू का पेस्ट लगा के बन रही है सैंडविच। इसे थोड़ा सा सेकेंगे और फिर लेंगे इसका मजा। और लाइक का क्या हुआ? ये देखो अब तक नहीं करा इसमें लाइक कमेंट, कर दो यार फिर तुम भूल जाते हो। तो फाइनली और ये सुबह का बढ़िया नाश्ता सैंडविच और चाय सॉस के साथ तैयार है। आहा, 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 आहा। ना मैम को दे देना, ममता के मंदिर की। भैया ऑफिस से निकलते हैं सीधे बच्चों को लेने और उन्हें स्कूल से छोड़ेंगे घर। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? लंच करके तब वापस मिलते हैं आपसे ऑफिस में। तो बने रहिए मेरे साथ, लेने चलते हैं बच्चों को। आज हमने बनाई है भट्ट की दाल। भट्ट मतलब एक दाल है जो पहाड़ में पाई जाती है, तो इसे कहते हैं भट्ट की दाल और चावल। तो ये देखिए बड़ी टेस्टी होती है, भूनने के बाद इसे बनाया जाता है। पहले इसे भून लेते हैं थोड़ा, उसके बाद इसे बनाते हैं। तो आज सुपर टेस्टी फूड पहाड़ी वाला अचार, मानो का फेवरेट आम का अचार है ना। तो नींबू का, चलो कोई नहीं, नींबू का भी सही। और मैं यहाँ तक लाया तो इसने दो बार तो कलर बदल दिए लाइट के। एक कैमरे से शर्माने वाला व्यक्ति नहीं भी है ना। और भाई आज ये घर का मक्खन खाने के लिए मिलेगा बहुत दिन बाद। ये देखिए, बस जब मैं ऑफिस से घर आया तो ये था रेडी। और ममता बना रही है, और समय हो रहा है तकरीबन 6 बजे का। मैं आ गया हूँ वापस घर और पीछे किचन में चल रहा है काम। अभी दिखाता हूँ आपको कि क्या काम चल रहा है। तो उससे पहले जो मैंने दिखाया था उसी का आगे का प्रोसेस चल रहा है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि मक्खन बन रहा था घर में, और उसी के आगे का प्रोसेस यानी कि उससे घी बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो आगे चल रही है किचन में। तो आइए लिए चलता हूँ आपको किचन की ओर। मेरे घर की आर्टिस्ट, ये देखिए मेरी 6 साल की लड़की की ड्राइंग है, सुदामा जी इसने बनाए हैं। ये पहले मुरली बनाई थी और अब बनाए हैं सुदामा जी। मुझे तो इतना बढ़िया लग रहा है, इसलिए ऐसे नहीं उधर ही करो उधर ही करो। ये देखिए मुझे तो इतना बढ़िया लग रहा है ना, नीचे का उनका लहंगा वहंगा मतलब जो पैर वैर बनाए हैं, गजब सुपर गुड। करो करो सब पर एक ड्राइंग बनाई है। ये जो डॉल है, ये डॉल बनाई है बेटी ने, ये देखिए वाह लाजवाब। और पूजा पाठ करने के बाद सब कामों से निवृत्त होके हम चले गए सोने। इस ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका अपना ट्रेवलिंग पहाड़ी यूके। प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना।